बीइंग अ लायन प्रेजेंट्स। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम बिस्पा, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल बीइंग अ लायन पर। आज हम सीखने वाले हैं वॉलीबॉल का सर्विस, मतलब मेनली हम लोग स्टैंडिंग खड़े होकर फ्लोटिंग सर्विस का सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पोस्चर क्या होगा। पोस्चर में अपने पैर का पोस्चर देखेंगे। पैर का पोस्चर में हमारा जो पैर होगा वो जितना कंधा होता है उतना खुला होगा, ताकि हमारा बॉडी हो बैलेंस हो और हल्का आगे पीछे रहेगा, ताकि हम इजिली अपने बॉडी को स्टेबल और बैलेंस कर सके। अब हम बॉल को टॉस करेंगे अपने प्रमुख हाथ के सामने, जो हम लोग डोमिनेंट है, जिसे हम लोग सर्विस करने वाले हैं, उसके सामने और अपने शरीर से थोड़ा आगे, ताकि इजिली हम बॉल को आगे की तरफ हिट कर सके और अपना पावर से सही जगह पे इफेक्टिव सर्विस लगा सके। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या गलतियां होती है वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, कि कितने सारे एरर होते हैं अगर हम सही जगह पे बॉल को टॉस नहीं कर रहे हैं। तो जिस हाथ से सर्विस करने वाले हैं उसका जो अपोजिट लेग होगा वो हमारा आगे होगा, तो उस वक्त क्या हमारा ध्यान रहे कि हमारा जो पीछे वाला पैर है उस पर हमारा बॉडी वेट अधिक होगा, ताकि हम जब सर्विस करें तो बॉडी वेट को आगे की तरफ ट्रांसफॉर्म करेंगे, ताकि हमारा जो सर्विस है वो पावर और इफेक्टिव हो। इसलिए अपने बॉडी वेट जो है वो पीछे वाले पैर पे होगा। आप देखे होंगे अभी हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे ओलंपिक के, नीरज चोपड़ा साहब, वो जैवलिन थ्रो करते हैं, उनका जैवलिन का जो रिलीज करते हैं वो हाथ पीछे से यहाँ ऐसे थ्रो करते हैं, तो यहाँ से थ्रो करने पे वो जैवलिन क्या है ऊपर जाता है। मगर हमको जो सर्विस करना है वो हमारा बॉडी के आगे टॉस करेंगे, ताकि हमको सर्विस जो है वो आगे मारना है, ना कि ऊपर मारना है। अगर सर्विस से हम ऊपर मारते हैं तो वो इफेक्टिव सर्विस नहीं होगा। इसलिए हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारा सर्विस जो टॉस कर रहे हैं वो आगे करें और कॉन्टेक्ट भी बॉल का वो आगे हो बॉडी से। अगर बॉल कॉन्टेक्ट यहाँ होगा तो वही बात जो बताए वो बॉल जो है ऊपर जाएगा, जो कि इफेक्टिव नहीं है। जब हम बॉल को टॉस करेंगे तब भी ये ध्यान रहे कि हमारा जो बॉल का टॉस का जो हाइट होगा वो उतना ही ऊंचा हो जितना ऊंचा हमारा रीच है। अगर हम बहुत अगर ऊपर टॉस कर देंगे तो हमको टाइमिंग बनाने में दिक्कत होगा, और अधिक समय में क्या होगा कि हम टाइमिंग गलत करेंगे और सर्विस भी गलत हो जाएगा, और बहुत छोटा भी नहीं करना है। इसलिए ध्यान रहे कि हम जब टॉस करें बॉल को तो हमारा जो रीच है उतना या उससे थोड़ा सा ऊपर चलेगा। तीरंदाजी आर्चरी, इसमें आप लोग देखते होंगे कि पोस्चर क्या होता है। आदमी यहाँ पे तीर ऐसे लिए रहता है, इस जगह रहता है, इस तरह से ये पोस्चर होता है तीरंदाजी में। तो इस सब सेम इस तरह का पोस्चर रहेगा हमारा भी। यहाँ हाथ में बॉल रहेगा और दूसरा हाथ पीछे रहेगा, और इस तरह से बॉल को हम रखेंगे, ये हमारा पोस्चर होगा। यहाँ पे हम बॉल को टॉस करेंगे। जैसे आर्चरी में हम लोग सोच के, जो आर्चरी जो खेलता है, जिसका जो गेम होता है तीरंदाजी, वो सोच के मारता है कि उसका निशाना कहाँ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम इस तरह से सोच के मारें कि हमको कहाँ मारना है तो हमारा सर्विस और ज्यादा इफेक्टिव होगा। सोचना कहाँ है मारना, जहाँ पे दो प्लेयर के बीच में, जहाँ या फिर कमजोर प्लेयर है उस पे मारेंगे। तो ये हम सोचेंगे कि हम कहाँ मार रहे हैं सर्विस, वहाँ टॉस करेंगे और वहीं पे हिट करेंगे। जब हम बॉल को हिट करें तो हमारा जो पाम होगा वो टाइट होगा, जितना टाइट हो सके, और एक ओपन होगा, इस तरह से नहीं कि बंद या सटा हुआ, इस तरह से एक ओपन नॉर्मल हैंड पाम टाइट। अगर हम लूज करते हैं अपने पाम को तो बॉल क्या होगा, रोल हो जाएगा। बॉल रोल नहीं होना चाहिए। हम जो सर्विस कर रहे हैं वो क्या है, फ्लोट सर्विस है। फ्लोट मतलब तैरता हुआ सर्विस। तैरते हुए सर्विस में बॉल जितना स्टेबल होगा, जितना स्थिर होगा, उतना अच्छा सर्विस जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि हम जब बॉल को हिट करें तो हमारा पाम टाइट हो, और जब बॉल को टॉस भी करें तो बॉल जो हो रोल नहीं हो, बॉल स्थिर टॉस हो और स्थिर बॉल को हम हिट करें। तो अभी तक हम देखें कि हमारा पोस्चर या पोजीशन क्या होगा हर एक चीज का। अब देखेंगे प्रोसेस। प्रोसेस में तीन वर्ड याद करेंगे, टॉस, स्टेप एंड हिट। इसमें ध्यान रहे कि हम जो टॉस करें हमारे बॉडी से आगे हो, जिस हाथ से हम बॉल हिट करने वाले उस हाथ के सामने हो, और जितना ऊपर हमारा हाथ जाता है उतना ऊंचा, उससे अधिक ऊंचा नहीं हो, और बॉल रोल नहीं करे, बॉल स्टेबल टॉस हो इस तरह से। देन हम अपने बॉडी वेट जो हमारा पीछे था उसको आगे की तरफ शिफ्ट करते हुए पाम टाइट करके बॉल को मारेंगे एक तमाचा और हो गया सर्विस हमारा। अब हम लोग बॉल का कॉन्टेक्ट क्या होगा हमारे हाथ से वो ध्यान देंगे। हमारा जो मिडिल फिंगर है उसका जो नीचे वाला सरफेस है, मतलब हमारे पाम का जो सेंटर है, उससे जो बॉल का जो सेंटर है उस सेंटर पे हिट करेंगे, ताकि बॉल जो है वो स्टेबल होके जाए। मतलब कोशिश करेंगे जितना कम सर्विस हमारे हाथ का, जितना कम सर्विस बॉल टच हो उतना इफेक्टिव सर्विस होता है। मींस इस तरह से देख सकते हैं आप, ये ना कि बॉल को लूज रखेंगे हाथ को और पूरा बॉल पे मारेंगे। हम जो भी देखे हैं या जो सीखे हैं उसका मेन पर्पस क्या है, कि हम वॉलीबॉल में सर्विस अच्छा कर सके। तो हम देखेंगे कि हमारा टारगेट क्या होगा, हम सर्विस कहाँ करेंगे। तो हमारा जो एंटीना का हाइट होता है कम से कम उससे नीचे, मतलब कोशिश करना है कि हमारा जो नेट है उससे जितना क्लोज हो सके बॉल, उतना अच्छा सर्विस मारा जाता है।
अब हम लोग देखेंगे हमारा वर्कआउट, मतलब एज अ बिग नर्स हमें किस चीज पर अधिक वर्क करना चाहिए अच्छा सर्विस करने के लिए। अधिकतर नए लड़के जो सर्विस सीख रहे होते हैं वो करते हैं गलती टॉस करने में, मगर सोच कह रहे होते हैं कि हम मेरे में पावर कम है, मेरा हाथ ऐसे लग रहा है। अरे भाई साहब, उल्टा बैठ करके आप कितना भी जोर से मारे बॉल सही जगह पे नहीं जाएगा। सेम वही यहाँ पे भी गलती करते हैं, अगर हम टॉस ही गलती कर देंगे तो जहां टॉस हुआ वहीं हम बॉल को हिट करेंगे, और जहां टॉस गलती हुआ बॉल भी हिट होगा। आप कितना ही पावर मारिए आप आउट ही मारेंगे सर्विस, तो क्या होगा कि हमारा सर्विस सही नहीं जाएगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, हम अपने चार बात का ध्यान रखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। पहला, टॉस अपने बॉडी से आगे करें। दूसरा, जिस हाथ से हम सर्विस करने वाले हैं उसके सामने सर्विस करें। तीसरा, कि जब हम सर्विस करें तो बॉल रोल नहीं हो। और चौथा, उतना ही हाइट हम सर्विस करें जितना हमारा रीच है। तो इसका आप तैयारी करें और इसी पे आप काम करें तो आपका सर्विस अच्छा हो जाएगा। तब तक के लिए कोरोना से बच के रहें, खुश रहें और वॉलीबॉल खेलते रहें।